वेलकम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस के चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि चॉइस फिलिंग अब क्लोज कर दी गई है। आपके सामने अभी भी चॉइस फिलिंग का विंडो आ रहा है, लेकिन वो क्लोज हो चुकी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से। अब जो फर्दर प्रोसेस है उसके बाद आपको क्या करना है, किसके कॉल्स लॉक हुए होंगे, किसके कॉल्स लॉक नहीं हुए होंगे, कट ऑफ किस तरीके से बनता है और आपकी जो सीट है वो किस तरीके से कन्फर्म हो जाती है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप में से कोई BDS में एडमिशन करना चाहता है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, तो हमारे थ्रू आप कर सकते हो। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी कि आपको नीट का स्कोर 140 प्लस होना चाहिए और आपने पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म भरा होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली जब आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे तो आपको फिर से ऑप्शन आ रहा होगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। तो ये अभी तक ये ऑप्शन इन्होंने रिमूव नहीं किया है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली आप पीएम ट्रिपल एस के चॉइस फिलिंग पोर्टल पे पहुँच जाते हो। यहाँ से आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि आपने कितने कॉल्स रखे हैं, कॉलेज लिस्ट, फिर लॉग आउट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो सपोज़ हम नर्सिंग करेंगे, यहाँ से अगर हम कोई कॉलेज ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ओबियसली आप देख सकते हो फॉर HSC स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग इज़ क्लोजर नाउ, और ऊपर से आपको पॉपअप विंडो भी शो हुआ होगा फॉर HSC स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग इज़ क्लोजर नाउ। तो ओबियसली अब आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, ना ही आप मॉडिफाई कर सकते हो कॉल्स को। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो डिलीट ऑप्शन हटा दिया गया है, कुछ भी अब चेंज इसमें नहीं हो सकती है, जैसे आपने रखा था वैसे अब रहेगा। अब मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि अब आपको फर्दर क्या करना है। देखिए, जिसने जैसे रखे थे कॉल्स उसको आप कुछ भी नहीं करना है, उसको डायरेक्टली मेरिट लिस्ट का वेट करना है। और मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में भी आ सकता है या आपके अपने पोर्टल पे ही जैसे आपको रैंक शो हुई थी वैसे ही डायरेक्टली आपको वहाँ पे कॉलेज अलाट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको हुआ होगा तो आपको अलाटमेंट लेटर मिल जाएगी। अब अगर आपको कॉलेज अलाट नहीं हुआ होगा तो आपको अलाटमेंट नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली नो अलाटमेंट आएगा। तो ओबियसली इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो अब कब आएगा ये उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से जो है कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, किस तरीके से आपको कॉल्स अलाट किए जाते हैं, तो प्रेफरेंस किस तरीके से चेक की जाती है। सपोज़ आपने 10 कॉल्स रखे, तो हम अगर इस कैंडिडेट की बात करेंगे, आप अपने हिसाब से देखना आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की है। सपोज़ आपको पहले नंबर का कॉलेज नहीं, दूसरे या तीसरे चौथे नंबर का कॉलेज मिला, तो वो इसलिए क्योंकि आप पहले 4 कॉल्स के कट ऑफ में फ्रेम करते ही नहीं थे, तो ओबियसली आपको 5th या 6th वाला प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज है वो मिला। अब ये चेक कैसे करते हैं, चेक ये इस तरीके से करते हैं कि अगर पहले वाला कॉलेज है किसी कैंडिडेट के, अगर 470 मार्क्स हैं तो ओबियसली अगर उससे ज़्यादा किसी के 475, ऐसे अगर 5 या 6 कैंडिडेट्स होंगे जिनके इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो ओबियसली अगर उन्होंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा तो ये उन्हीं को दिया जाएगा ये कॉलेज। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन लिस्ट बनता है। और एक बात मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि ये मैटर करता है कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। सपोज़ एक कॉलेज में 6 सीट्स हैं, आपका 470 स्कोर है और ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके 471 है, ओबियसली उन्होंने अगर इसको रखा होगा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे तो ये उन्हीं को दिया जाएगा। वहाँ पे आपकी प्रेफरेंस चेक की जाती है, लेकिन मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो मार्क्स जिस हिसाब से होंगे फिर प्रेफरेंस उसी हिसाब से आपको कॉल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ज़्यादातर चांस होते हैं जो आपने फर्स्ट नंबर पर कॉल्स रखे तो वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैंने 10 या 20 नंबर पे कोई कॉलेज रखा है मुझे वही मिलना चाहिए, गलती से आपने रखा या कुछ भी किया, अब फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड, पहले ऐसे ही देखा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही चेक किया जाएगा एक एक करके कॉल्स को, जो कॉलेज आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको आता होगा वही आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिर सिलेक्शन लिस्ट और अलाटमेंट लेटर आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कट ऑफ आपको ऑलरेडी पता है कि कट ऑफ हम नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग की, तो नर्सिंग का कट ऑफ हाई चला जाएगा, फार्मेसी में भी कट ऑफ लगभग 420-410 तक चला जाएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग में भी 400 से अबो ही कट ऑफ चला जाएगा। जनरल कोर्स का ऑलरेडी हमें पता ही है, तो ओबियसली कट ऑफ लगभग 400 ही रहेगा। अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे उससे नीचे भी जा सकता है, जो कि दूर के काल से अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो नहीं रखे होंगे।
और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलती भी की है कि कम कॉलेज रखे, तो वो उनकी गलती है, क्योंकि अगर आप कम कॉलेज रखते हो तो ओबियसली आपके 10 ही कॉलेज देखे जाएंगे, वैसे आपके 20 देखते 30 देखते, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो ओबियसली आपको 100 कॉलेज पूरे करने थे। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना था उसमें एटलीस्ट आप 50 कॉलेज रख सकते थे, 60 कॉलेज रख सकते थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 10-20 कॉलेज रखे, वो उनने गलती की है। अब जिनका अच्छा स्कोर था लगभग 470-480 वो रख सकते थे 10-30 कॉलेजेस, लेकिन उनके लिए भी मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अगर 470-480 स्कोर है फिर उनने 30 कॉलेज रखे हैं तो ओबियसली उनके 50-50 चांस बन जाते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोचते हैं कि हम दूर नहीं जाएंगे तो वो नज़दीक के कॉलेज भी ज़्यादा रखते हैं। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको चॉइस प्लिंग करनी है मार्क्स वाइज। अब जिसने वो वीडियो देखा होगा और फिर उसको फॉलो किया होगा उसको ज़रूर कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट है मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त को आपको अलॉटमेंट शो हो जाएगी। अपने पोर्टल पर ही लॉग इन करना है आपको, डायरेक्टली वहीं से आपको दिख जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन देनी है 19 से लेकर 21 अगस्त तक, तो वहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन होगा। अगर आप फ्रीज सेलेक्ट करते हो तो आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा, बाकी अगर आप फ्लोट करते हो तो आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। उसके बाद अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो 22 अगस्त को आपकी जो सीट है वो कैंसिल की जाएगी। फिर आपको कॉलेज की जो ज्वाइनिंग करनी है वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, या उससे पहले ही आपको डेट्स दिए जाएंगे। ये चेंज भी हो सकता है ये शेड्यूल जो ने दिया है, बाकी इसके हिसाब से अभी आप मान के चल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।